नमस्कार दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद का जो ईरा है वो नरेंद्र मोदी इरा कहा जाता है तब से एक बहस लगातार चलती रहती है कि हु इज़ द बेस्ट कि कौन बेहतर है एन का ये जो कार्यकाल है जो लगातार दूसरे कार्यकाल में चल रहा है या फिर इससे पहले यूपीए के जो दो टर्म थे वो बेस्ट थे और इन दो टर्म्स को लीड किया दो लोगों ने यूपीए को लीड किया कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे और 2014 से बाद का दौर जो नरेंद्र मोदी का है वो एक हार्ड को एक पॉलिटिशियन जो कि 20 साल तक अपना चीफ मिनिस्टरशिप का अनुभव लेकर आए लगभग और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं सोशल मीडिया पर लगातार डिबेट्स होती रहती हैं कि दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है अब चूंकि दो अलग अलग बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों को रिप्रजेंट करते थे या करते हैं तो इसलिए इन राजनीतिक दलों के बीच भी ये प्रतिस्पर्धा रहती है कि हम बेहतर हैं हम बेहतर हैं ये सब कोशिशें चलती रहती हैं देखिए कांग्रेस कहती है कि मनमोहन सिंह बेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जब एज ए नाइनटीन में जब वो नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे तो उन्होंने बड़ा शानदार एक बजट पेश किया था और उसके बाद देश में लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ उदारीकरण का दौर शुरू हुआ आर्थिक नीतियाँ उदार हुई विदेशी कंपनियाँ यहाँ पर आई ये सब चीज़ें हुई बिल्कुल ये बात सही है दूसरी ओर बीजेपी ये दावा करती है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी का जो इरा है इसने अपनी चीज़ों को अलग लेवल पर लेकर गए हैं इन्होंने अपनी नीतियों को बदला है नीतियों को एग्रेसिव किया है दूसरे देश जो देश हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं उनको सस्ता सुलभ और एक आसान जरिया उपलब्ध कराया है कि आप आसानी से यहां पर आइए आपका स्वागत किया जा रहा है बहुत सी ऐसी नीतियां बनाई गई हैं कि जिनमें देश दूसरों पर निर्भर न रहकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके खासतौर से इंडस्ट्रियल लॉबी को साथ लेकर साथ चलने वाली बात हालांकि राहुल गांधी इस बात को लेकर क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि मोदी सब कुछ अडानी और अंबानी के लिए करता है लेकिन वो कभी ये भी नहीं कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इस देश से अडानी अंबानी टाटा बिरला को मैं खदेड़ दूंगा ऐसा भी नहीं कहते हैं वो क्योंकि वो जानते हैं कि देश में ये जो तमाम पूंजीपति हैं या ये जो बड़े घराने हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इन्हीं से कायदे से देश चलता है इसे मानने में कोई किसी को गुरेज होना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत बात यह है कि ये एक लंबी डिबेट का विषय है कि कौन बेहतर था कौन नहीं लेकिन जो इस देश के ब्रेन रहे हैं जो इस देश को बनाने वाले माइंडेड लोग हैं अगर वो कुछ बात कहते हैं तो उसको मायने दिया जाना चाहिए और ऐसा ही एक नाम है नारायण मूर्ति आप जानते होंगे कितनी बड़ी शख्सियत हैं नारायण मूर्ति इन्फोसिस जैसी कंपनी के आईटी की इतनी बड़ी कंपनी के सह संस्थापक रहे हैं एन नारायण मूर्ति और इनकी कोई भी बात होती है तो उस पर वैल्यू होती है ये कल अहमदाबाद में थे यानी कि फ्राइडे को ये अहमदाबाद में थे और यहाँ पर जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आई अहमदाबाद उसमें युवा उद्यमियों जो स्टार्टअप को लेकर बातें हो रही थी जिसमें और छात्रों के साथ इन्होंने एक कन्वर्सेशन में भाग लिया एक वार्तालाप में भाग लिया इनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए गए इनसे बातचीत भी हुई और उसी समय कुछ छात्रों ने इनसे सवाल पूछा तो उसके जवाब में इन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हालांकि इन्हें पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है कांग्रेस नेता और दूसरे नेता इस बात को आलोचना को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि नारायण मूर्ति जैसा शख्स ये कह सकता है नारायण मूर्ति ने इस कार्यक्रम में ये कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो यूपीए सरकार थी उसके वक्त जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो भारत भारत में जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो ठहर सी गई थी और निर्णय सही तरीके से नहीं लिए जा रहे थे निर्णय रुक रुक कर लिए जा रहे थे उन्होंने ये कहा कि युवा दिमाग भारत को चीन का एक योग्य प्रतिस्पर्धी बना सकती है अगर हम इस समय जबरदस्त प्रयास करें तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि मैं लंदन में 2008 से 2012 के बीच एच के बोर्ड में था और पहले कुछ वर्षों में जब बोर्ड रूम की बैठकों के दौरान चीन को दो से तीन बार उल्लेख किया गया तो भारत का नाम एक बार आता था लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ मनमोहन सिंह एक साधारण व्यक्ति थे असाधारण व्यक्ति थे और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है अर्थशास्त्री थे टॉप क्लास के जानकार थे लेकिन यूपीए के सरकार में भारत ठहर गया था और निर्णय नहीं लिए जा रहे थे जब उन्होंने एचएसबीसी को 2012 में छोड़ा तो बैठकों के दौरान भारत का नाम शायद ही कभी आता था जबकि चीन का नाम लगभग तीस बार आता था और उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत के लिए सम्मान का भाव है और देश अब दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ये सब बातें उन्हें उन्होंने कही आई में स्टार्टअप कंपास पुस्तक के लेखकों के साथ उन्होंने चर्चा के दौरान कही और उन्होंने कई और, और भी बातें कही उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हुए 1991 के आर्थिक सुधार और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एन सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद की है लेकिन दुर्भाग्य से मुझे पता नहीं कि बाद में क्या हुआ मनमोहन सिंह के लिए मेरे मन में सम्मान है लेकिन उस समय भारत का आर्थिक विकास ठप हो गया था और निर्णय जल्दी नहीं लिए जा सके थे उन्होंने कहा मनमोहन सिंह को उपलब्धियों का श्रेय मिलना चाहिए लेकिन उनके समय में सारी चीज़ें उस गति से नहीं चल पा रही थी जिस गति से वो चलनी चाहिए थी उन्होंने ये भी कहा युवाओं से ये भी कहा कि जब मैं आपकी उम्र का था तब ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि न तो मुझसे और न ही भारत से ज़्यादा उम्मीदें की जाती थी आज उम्मीद है कि आप देश को आगे ले जाएंगे और मुझे लगता है कि आप लोग जो युवा लोग हैं भारत को चीन के समक्ष उसे टक्कर देने वाला एक योग्य प्रतियोगी बना देंगे उन्होंने कहा कि चीन ने केवल 44 वर्षों में भारत को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा है चीनी अर्थव्यवस्था भारत से छः गुना बड़ी है 1978 से 2022 के बीच 44 सालों में चीन ने भारत को बहुत ज़्यादा पछाड़ दिया है छः गुना ज़्यादा बड़ा होना कोई चुटकुला नहीं है और यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो भारत भी वैसा ही सम्मान पाएगा जैसा आज चीन को मिल रहा है नारायण मूर्ति का ये जो बयान है मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये रिफ्लेक्ट करने में सफल कर रहा है कि अगर आप योग्य प्रशासक हैं भले ही आप में कितनी भी काबिलियत है आपने कितनी भी पढ़ाई की है कितनी भी आपके अंदर योग्यता है लेकिन आप अगर निर्णय समय पर नहीं लेते हैं तो उस योग्यता का कोई मतलब नहीं है नरेंद्र मोदी में और मनमोहन सिंह में यही एक बेसिक फ़र्क है मनमोहन सिंह फैसला लेने के लिए लंबे प्रोसेस से गुजरते थे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास जाते थे फाइल लेकर वहाँ से चेक कराते थे तब उनकी मंजूरी के बाद या उनकी जो खास सलाहकार मंडली थी सोनिया गांधी की उनकी सलाह के बाद फैसला लेते थे लेकिन नरेंद्र मोदी वन मैन शो हैं जो मन में आता है उसे तुरंत इम्प्लीमेंट कर देते हैं और इम्प्लीमेंट करने का फैसला ले लेते हैं देखिए नोटबंदी का फैसला सब लोग जानते हैं कि उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को विश्वास में नहीं लिया था और मिनट भर में ये फैसला ले लिया था दुष्परिणाम के बारे में नहीं सोचते इसका जो क्या कहना चाहिए कि रिपरकेशंस जो क्या होंगे वो भी इसके बारे में नहीं सोचते और नरेंद्र मोदी सिर्फ बस दिमाग में आइडिया आता है और उस पर जंप कर देते हैं यही बेसिक फ़र्क है मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में मुझे लगता है कि नारायण मूर्ति के इस बयान के बाद उनकी इस बातचीत के बाद उनके इस तथाकथित Uh, क्या कहना चाहिए कि ओपिनियन के बाद मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई डिबेट का विषय रह गया है कि देश में कौन बेटर प्राइम मिनिस्टर है नो डाउट नरेंद्र मोदी आज मनमोहन सिंह को बहुत मीलों पीछे छोड़ चुके हैं मैं तो यहाँ सिर्फ आर्थिक नीतियों की बात कर रहा हूँ अगर आप विदेश नीति की बात करें तो भारत ने वो कर दिखाया है जो आज तक कभी नहीं हुआ है इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिएगा दोस्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से और अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है आपको तो भाई इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें